जिनका जन्मदिन 29 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी, करियर में सुधार और परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी समस्याएं भी आपकी हल हो जाएंगी। लेकिन इस साल स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज की जिज्ञासा है कि घर में कौन सा पौधा हमें अवश्य लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। घर में लगने वाला पौधा अपनी तरंगों से पूरे घर को प्रभावित करता है। घर में अपने तुलसी का पौधा लगाएं, घर में शुभता आएगी और इसकी तरंगें पूरे घर को बेहतर करेंगी। इसे घर के बीचों बीच में लगाएं या अपने सोने के कमरे के साथ की बालकनी में लगाएं ताकि आप इसकी शुभ तरंगों को ग्रहण कर सकें। बहुत बार आप बीमारी से परेशान नहीं होते, बीमारी का वहम परेशान करता है कि ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए। इस तरह का वहम आपको परेशान कर देता है। अगर आप बीमारी के वहम से परेशान हैं, बीमारियों को लेके चिंता और तनाव आपके मन में बना रहता है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान जरूर करिए, रोज प्रातः स्नान करिए, इसमें गैप मत करिएगा। एक चांदी का कड़ा पहनिए, पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में, स्त्री हैं तो बाईं कलाई में। सोमवार की रात को गंगा जल से धोकर चांदी का कड़ा पहनिएगा। हर समय जब भी आपको चिंता हो, तनाव हो, बेचैनी हो, आप नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते रहिए। बीमारी के वहम से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके रोज प्रार्थना करिए। जिस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं उस इच्छा के लिए रोज प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। तो रात को सोने के पहले अगर आप नियमित रूप से उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।